दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते शाहीन बाग में हालात का जायजा लेने के लिए चुनाव ऑब्जर्वर की टीम दिल्ली पुलिस के साथ पहुंची। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह ने कहा कि शाहीन बाग में 5 मतदान केंद्रों के रूट में कोई बाधा नहीं है। शाहीन बाग क्षेत्र में चुनाव अधिकारियों के पहुंचने और सामग्री को वहां तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की योजना तैयार की गई है। शांति बनाए रखने और मतदान के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के मकसद से प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। शाहीन बाग में जो हमारी 5 लोकेशंस हैं, वहाँ पर जाने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो कोई किसी किस्म की समस्या। दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र में दिल्ली के लोगों को साफ पानी, सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ व्यापारियों, किसानों, मजदूरों समेत सभी वर्गों के लिए अहम योजनाओं का ऐलान हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर दिल्ली की दिशा और दशा को बदलने के लिए पूरी मजबूती से कार्य किया जाएगा। आपको पता होगा कि दिल्ली की पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर है। ये लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना थी और जिसके लिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान, इन राज्यों में 1970 से विवाद चल रहा था। और यह ऐसी योजना थी कि ये अगर हिमाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो हिमाचल प्रदेश का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दिल्ली को 2070 तक पीने के पानी के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी, इतना पानी यमुना से मिलने वाला है। संकल्प पत्र के अहम बिंदुओं को गिनाते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने हर घर में साफ पानी देने का वादा किया तो गरीबों के लिए सस्ता आटा देने का भी संकल्प व्यक्त किया। इसके अलावा नई अधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाना, पगड़ी किरायेदारों के हितों की रक्षा, 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूलों का निर्माण, कॉलेज जाने वाली गरीब छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी मुफ्त देना, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार, पुनर्वास कॉलोनियों को मालिकाना हक इत्यादि शामिल है। अभी सोचिए, इसको सुखाना, उसको भिगाना, हम आप कभी भी किसी झुग्गी में जाइए, कहीं कॉलोनी में जाइए, जो लोग उसको कई दिन लगाते हैं। हमने निर्णय किया है कि आटा पीसने में गरीबों का सारा पैसा खर्च होता है, तो अच्छी गुणवत्ता का आटा मात्र 2 रुपए किलो दिल्ली के उन लोगों को जिनको अभी तक गेहूं मिलता था, हम आटा देने का काम करेंगे। पत्र तैयार किया। इसके अलावा सरकार बनने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की सभी योजनाओं पर दी जा रही सब्सिडी को आगे भी जारी रखने की बात कही। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने के वादे के साथ, छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी और साइकिल देने के वादों के साथ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादों की झड़ियां लगा दी हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता इस घोषणा पत्र से कितनी सहमत होती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र नेगी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।